मत्ती दसवां बाब फिर उसने अपने बारह शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें और बारह रसूलों के नाम ये हैं पहला शमाउन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई योहन्ना फिलपुस और बर्तलमाई माई तूमा और मत्ती महसूल लेने वाला खलफाई का बेटा याकूब और तद्दी शमाउन कानी और यूदश कर जिसने उसे पकड़वा भी दिया इन बारों को यस्सु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा गैर कौम की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है बीमारों को अच्छा करना मुर्दों को जिलाना कोड़ियों को पाक साफ करना बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना ना सोना अपनी कमरबंद में रखना ना चांदी न पैसे रास्ता के लिए न झोली लेना न दो दो कुर्ते न जूतियां न लाठी क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है और जिस शहर या गांव में दाखिल हो दियात करना कि उसमें कौन लायक है और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहां रहना और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआएं खैर देना और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना मैं तुमसे सच कहता हूं कि अदालत के दिन उस शहर की नस्बत सदूम और अमूरा के इलाका का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की बेआजार बनो मगर आदमियों से खबरदार रहो क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे और तुम मेरे सबब से हाकिम और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे को बाप और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे और मेरे नाम के बायस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे इब्ने आदम आ जाएगा शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से शागिद के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानद जब उन्होंने घर के मालिक को बाज कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे बस उनसे ना डरो क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उजाले में कहो और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते उनसे न डरो बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है क्या पैसे की दो चिड़िया नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं बस डरो नहीं तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा यह ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं सुला कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दो और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे जो कोई माँ या बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा जो रास्त रात को कबूल करेगा वो रास्तबाज का अजर पाएगा और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा अमेन